हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। दिल्ली की तिलक नगर सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जर्नैल सिंह को इस वक्त आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं, कैंपेन पर निकले हुए हैं अपने, और देखेंगे आप भारी संख्या में जो आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं वो ढोल नगाड़े की धुन पर नाचते हुए आपको फिलहाल दिखाई देंगे। देखेंगे आप कितना उत्साह जो है वो कैंपेन ट्रेल में आपको यहाँ पर दिखाई देगा। आइए जर्नैल सिंह से बात भी करते हैं। जर्नैल जी, 5 साल में अब क्या आपके वादे हैं, क्या वादे लेकर चुनावी मैदान में आए हैं? सबसे पहले तो यह है कि पिछले 5 साल पहले जो वादे किए थे उसका रिपोर्ट कार्ड लेके आए हैं, जिसकी खुशी आप देख सकते हैं। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी भारत की ऐसी पहली पार्टी बन चुकी है जो पिछले 5 साल पहले वादे पूरे करके अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जनता के बीच में आ रही है और अपने कामों के दम पर वोट मांगने आ रही है। मेरे को क्या कुछ काम किए हैं पिछले जो मैनिफेस्टो की आपकी बात कर लेते हैं, आपने वादा किया था कि सीसीटीवी कैमरा जगह जगह पर लगाए जाएंगे। तिलक नगर में कितने सीसीटीवी कैमरास लगे हैं? पहले फेज के अंदर 2000 सीसीटीवी कैमरा लग चुके हैं, कुछ जगह रह गई है, मुख्यमंत्री साहब ने 2000 कैमरे और दे दिए हैं, अगले फेज के 2000 कैमरे लग रहे हैं। तो जो वादा किया था कि गली गली को सीसीटीवी लगाकर सुरक्षित करेंगे वो काम ऑलमोस्ट हो चुका है और अगले कुछ महीनों के अंदर तिलक नगर की हर गली हर कोने पर सीसीटीवी कैमरा लगे होंगे। स्ट्रीट लाइट्स बड़ी गिनती में लग चुकी हैं, सिक्योरिटी गेट्स लग चुके हैं, ऑटोमेटिक बूम बैरियर, बैरिकेडिंग। सर, ऑपोजिशन लगातार ये बोलती है आपको कि 6 महीने में काम हुए हैं, इससे पहले ज्यादा काम नहीं हुए। सीसीटीवी का भी जो काम है वो अभी हाल ही में हुआ काम है। बिजली हाफ पानी माफ का नारा लगाकर पिछली बारी वोट मांगे थे, जीतने के 1 महीने के अंदर वो वादा पूरा कर दिया था और अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने अपने वादे से 10 कदम आगे बढ़ते हुए बिजली हाफ का वादा किया था, बिजली 200 यूनिट तक माफ की है। दिल्ली में लाखों परिवारों के बिल आज जीरो आ रहे हैं। लेकिन पानी की बात कर लेते हैं तो पानी जो है वो अभी भी दूषित आ रहा है। देखिए, थोड़ी बहुत कहीं कंप्लेंट आती रहती है रूटीन में और वो ठीक होती रहती है, ये इतना बड़ा मसला नहीं है। मसला पानी का मसला इतना बड़ा मसला नहीं है ये बोल रहे हैं आप? मैं आप मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कहीं इक्का दुक्का शिकायत आ जाए तो वो दूर की जाती है। बड़ी बात ये है कि पिछले 5 साल के अंदर 70 साल पुरानी कॉलोनी में जहाँ तक पानी लाइन नहीं थी वहाँ पर पानी की लाइनें डलवाई गई हैं। पानी की लाइनें तो डलवा दी, लेकिन दूषित पानी तिलक नगर में इतना क्यों आ रहा है? दूषित पानी की बहुत ज्यादा समस्या नहीं है, ओपोजिशन फेक प्रचार कर रही है, अगर कहीं है तो उसको भी हम दूर कर रहे हैं और करेंगे। तो तिलक नगर से उम्मीदवार और मौजूदा सांसद भी रह चुके जर्नैल सिंह से हमने बात करी। साफ तौर पर उनका कहना है कि जो पानी की समस्या है उसे लगातार निपटाने की उनकी कोशिश है, जो परेशानियां हैं वो उनके सामने रखते हैं। इसी के साथ में सीसीटीवी का काम उनने किया है और लगातार आश्वस्त है कि आने वाले जो 5 साल है उसमें दोबारा से इलेक्ट होकर आएंगे। कैमरा पर्सन सुंदर सिंह के साथ जातिका सिंह, एबीपी न्यूज दिल्ली।